सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मुरैना जिले के पुरसा तहसील में फालतू गलियों में घूमने वाले 5 लोगों के चालान काटे गए, जिससे 2500 रुपए का राजस्व वसूली गई है। पुरसा TI अतुल सिंह, SI पवन सिंह भदौरिया व SI धर्मेंद्र मालवीय ने मई फोर्स के क्वारंटाइन से फरार हुए भगवान सिंह खरवार को पुरसा पुलिस ने कोटरा थाना नगरा पुरसा से पकड़कर एम्बुलेंस से मुरैना अस्पताल भेज दिया। तहसीलदार राजकुमार नगौरिया ने सभी लोगों को दुकानदारों को हिदायत दी है कि 3 मई तक अपने अपने घरों में रहो और लॉकडाउन का पालन करो। वहीं सभी लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि बाजार में फालतू नहीं घूमे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आज पुरसा पुलिस ने 35 मोटरसाइकिल वालों को समझाया व शासन के नियमों को पालन करने की अपील की। साथ ही कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, तब तक आप घर में रहें, अनावश्यक न घूमें, अन्यथा चालान किया जाएगा। मास्क लगाकर रहे और हाथ धोते रहे। मुरैना से आशीष डंडोतिया की रिपोर्ट। ये जानकारी तो यह है कि वो कोरोना पेशेंट नहीं है, इसको एक्चुअली होम क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखा गया था मुरैना में, जहाँ से ये कल भाग गया था। और इसके वहाँ से निकलते हमें तुरंत सूचना मिली थी। सूचना पे एक्चुअली ये रहने वाला है नगरा थाना क्षेत्र के कोटरा गांव का, भगवान सिंह सखवार। तो तुरंत ही हमने आदमी लगा दिए थे, तो इसकी लोकेशन ट्रेस करी, तो पहले तो ये रास्ते में था तो नहीं ट्रैक हो पाई। फिर जैसे ही ये घर पहुंचा तो हमारे आदमी ऑलरेडी इसके घर पे पहले से बैठे हुए थे, तो हमको ये वहाँ मिल गया था। एक्चुअली ये पॉजिटिव मरीज नहीं है, सिर्फ होम क्वारंटाइन से ये जो क्वारंटाइन में था वो निकल के आ गया था। इसे हमने वापस पकड़ के और वहाँ पहुँचा दिया है मुरैना, जहाँ पे आज इसके सैंपल ले जाके भेजे जाएंगे। बाकी ऑलरेडी होम क्वारंटाइन में पहले से था। और ये पुरसा एरिया में जो बाइकों पर कुछ कार्रवाई की गई है, एक्चुअली एक छोटा सा कन्फ्यूजन था लोगों के बीच में, जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं किन्हीं भी कारणों से। पहले था कि वो लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, फिर एक सूचना आई कि ग्रीन बेल्ट वाले जो ज़िले हैं वहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी। तो ये जो छूट वाला सिस्टम था, लोगों ने सिर्फ छूट सुना, बाकी ये नहीं सुना लोगों ने कि वो ग्रीन रेड, ग्रीन जोन और रेड जोन में डिफरेंस किया गया। तो रेड जोन वालों को छूट नहीं है, ग्रीन जोन वालों को छूट है। तो इसलिए वो छूट समझ के कुछ लोग सड़कों पे आ गए थे, जिनके खिलाफ़ हमने कार्रवाई करी है।